वेरी एक्साइटेड यार, मैं मुंबई पहली बार ट्रेन में आया था तो मैंने सुना 17 घंटे की जर्नी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मतलब बड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद ट्रेन में जा रहा हूँ। एक दो बार मैं बाहर गया हूँ अपने बच्चों के साथ, तो ये बहुत लंबी जर्नी है। नाल बट विल हैव फन, आई थिंक सारी टीम है तो इसकी तो मजा आएगा और एंजॉय करते जाएंगे अलग अलग सिटीज को। बहुत बार मैं ताजमहल गया था ट्रेन में अपनी पहली इनकम के साथ। फिर मैं जब पहली बार मुंबई आया था तो मैंने ये किस्सा पहले भी बताया हुआ है कि मुझे मालूम नहीं था कि जब मुंबई में ट्रेन आती है तो लोकल हो जाती है। हम फिर भी बर्थ पर बैठे हुए थे तो बहुत डांट पिटी थी सारे लोकल से मुझको। मुझे मालूम नहीं था कि जब लोकल हो जाती है तो एक एक सीट पे बैठते हैं। हमने बर्थ बुक किया था और बहुत सारे किस्से हैं। जब मैं दिल्ली में था तो बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया था और ऑफकोर्स दिल वाले दुल्हनिया में बहुत ट्रैवल किया था ट्रेन में। ओके शाहरुख, फिल्म अगर रईस की बात करें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी वाइब्स है फिल्म को लेकर, बहुत बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डायलॉग की बात हो या यू नो गानों की बात हो, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आर यू नर्वस, इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं फिल्म से लेकर लोगों को? यार जब दुनिया स्टार बनाती है तो फिर उम्मीदें तो होनी चाहिए ना, अगर उम्मीद नहीं हुई हमसे तो फिर किससे होगी। आई एम नॉट नर्वस, आई होप अलग सी फिल्म है, थोड़ी सी सब्सटेंस है, थोड़ा सा पॉपुलर मसाला है, तो वो दोनों का मिक्स अच्छा हो गया। नया नई तरह की फिल्म है तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सब एडवांस बुकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक फिल्म है, अच्छी लगेगी लोगों को। एक सीन है यार ट्रेन के अंदर, हाँ ट्रेन में एक सीक्वेंस है जिसमें मैं बिरयानी खाता हूँ ट्रेन में बैठ के। शाहरुख, डीडीएलजी का जो सीन था ट्रेन का, जब आपको लगा था इतना आइकॉनिक होगा क्योंकि अक्सर आपको उसी से रिलेट किया जाता है ट्रेन के ऊपर? नहीं यार मुझे नहीं लगा था, हमने अपने गाँव में शूट किया था, मुझे अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ तो नहीं, मुझे नहीं मालूम था। और बहुत कम वक्त था, हमको सिर्फ 8 घंटे में सब खत्म करना था तो बहुत भागम दौड़ में काम खत्म किया था। और वो अभी भी वो काजल पीछे भाग रही है मेरा हाथ बाहर, मुझे नहीं मालूम था इतना अच्छा लगेगा। ओके शाहरुख भाई, आप फिल्म रिलीज के दिन ही शादी करने जा रहे हैं, वो अपनी शादी के इनविटेशन को भी आप टिकट भेज रहे हैं और इस तरह से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जैसे कपल मैरिड इन दिल्ली, और वो खास इतने बड़े फैन है आपके, रईस के दिन ही शादी कर रहे हैं और इनवाइट की जगह पे टिकट भेज रहे हैं, क्या कहना चाहिए? उसका मालूम नहीं है, मुझे मालूम है कोई कर रहा था लोगों को इनवाइट, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो उनकी शादी। थैंक यू।